हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप अपने पेटीएम का पोस्टपेड अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पेटीएम में हम पोस्टपेड अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। तो अब यहाँ पे हम अपने पेटीएम अकाउंट पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने पासबुक पे पेटीएम पोस्ट पैड के लिए। तो पासबुक पे क्लिक करते हैं, ये इधर हमारा पासबुक खुल गया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये है पेटीएम पोस्ट पैड। यहाँ पे ये अपडेट हो गया है और बिल्कुल नया लॉन्च हो गया है और इसमें आपका जो लिमिट है वो भी अब बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये इस तरह से खुल गया। यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि आपका जो लिमिट है वो 5 गुना बढ़ जाएगा और बिकम एलिजिबल फॉर अदर लोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इसे आप एक्टिवेट करते हैं तो। और आप चाहें तो एक क्लिक में इसका पेमेंट जो है एक क्लिक में आप जो है पेटीएम पोस्ट पैड का कर सकते हैं। चलिए नीचे यस स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। जो भी आप पेटीएम यूज कर रहे हैं उस पे एक OTP भेजा जाएगा। चलिए यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे OTP डाल दिया, कंफर्म पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे हमें जो है डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है और जिस तरह से आपने पेटीएम अकाउंट में डाला हुआ है। चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो है पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। आपको अपने पैन कार्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे हमने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये इधर सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। चलिए यस आई कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम पोस्ट पैड है वो अब एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे हमें जो है 2000 का लिमिट दिया गया है। पहले 500 था, अब यहाँ पे हमें 2000 का लिमिट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है नीचे, आप चाहे तो ये लिमिट को इनक्रीज भी कर सकते हैं या फिर आप पुराना वाला लिमिट भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यस इंक्रीज माय लिमिट पे क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए हमारा जो लिमिट है वो सक्सेसफुली अब इंक्रीज हो गया है। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट पैड है वो अब अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, हमारा लिमिट यहाँ पे आ गया और अब हम जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है हमने पेटीएम का पोस्टपेड अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। पेटीएम से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और इस तरह के और भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।